गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज एंड लर्निंग पॉइंट। आज हम 14 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज इट्स ओन वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी। किस राज्य के पास उसकी खुद की वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, मेघालय। यस फ्रेंड्स, मेघालय इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसके पास खुद की वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी है। मेघालय की कैबिनेट और मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा ने 13 जुलाई 2019 को इस पॉलिसी को अप्रूवल दी है। अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की। जैसे मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा और यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टाइम्स नोवाक जोकोविच एंड रोजर फेडर वॉन विंबलडन टाइटल। नोवाक जोकोविच और रोजर फेडर ने अब तक कितने विंबलडन टाइटल जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 4 और 8। नोवाक जोकोविच ने अब तक 4 और रोजर फेडर ने अब तक 8 विंबलडन टाइटल जीते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम परस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज 14 जुलाई 2019 को विंबलडन ओपन का फाइनल है जो कि नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के बीच खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच जो कि एक सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने अभी तक अपने कैरियर में 4 times विंबलडन, 7 times ऑस्ट्रेलियन ओपन, 3 times US ओपन और 1 times फ्रेंच ओपन जीता है। अब हम बात करते हैं रोजर फेडरर की जो कि स्विट्जरलैंड के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी तक अपने कैरियर में 6 times ऑस्ट्रेलिया ओपन, 5 times US ओपन, 1 times फ्रेंच और 8 times विंबलडन ओपन अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच अमंग फॉलोइंग प्लेटफॉर्म वुड बी इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग प्ले लिस्ट फॉर एजुकेशन वीडियो। इन प्लेटफॉर्म में से अब एजुकेशन के लिए लर्निंग प्लेलिस्ट कौन इंट्रोड्यूस करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यूट्यूब। यस फ्रेंड्स, यूट्यूब विल बी इंट्रोड्यूसिंग लर्निंग प्लेलिस्ट फीचर फॉर एजुकेशनल वीडियो ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज मैथ्स, म्यूजिक, लैंग्वेज एंड साइंस। फ्रेंड्स, हमें यूट्यूब के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यूट्यूब का फाउंडर कौन है, इसकी फाउंडिंग ईयर क्या है। तो दोस्तों, जब भी यूट्यूब के फाउंडर का नाम पूछा जाता है तो इसके आंसर में 3 names आते हैं, जावेद करीम, स्टीव चेन, चार्ड हर्ले। ये तीनों ही यूट्यूब के फाउंडर हैं। अब इसकी फाउंडिंग ईयर, इसका फाउंडिंग ईयर है 2005, 14 फरवरी 2005 यूट्यूब का फाउंडिंग ईयर है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। फोर्थ क्वेश्चन इज, द सुपर 30 मूवी स्टेयरिंग ऋतिक रोशन इज अ बायोपिक बेस्ड ऑन हुज लाइफ। सुपर 30 मूवी है किसकी लाइफ पर बेस्ड बायोपिक है जिसका अभिनय ऋतिक रोशन ने किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, आनंद कुमार। यस फ्रेंड, सुपर 30 मूवी स्टेयरिंग ऋतिक रोशन इज अ बायोपिक बेस्ड ऑन आनंद कुमार लाइफ। फ्रेंड्स, ये हैं आनंद कुमार एंड ही इज अ मैथमेटिशियन एंड प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू अनप्रिविलेज किड्स इन पटना सिटी ऑफ बिहार। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच ईयर इसरो लॉन्च्ड चंद्रयान फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, अक्टूबर 2008। यस फ्रेंड्स, इसरो ने अक्टूबर 2008 में ही चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था और यह इसरो का एक सक्सेसफुल मिशन है। चंद्रयान फर्स्ट की हेल्प से पूरी दुनिया को फर्स्ट टाइम मून पर वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस का पता चला था। फ्रेंड्स, इसरो अपना सेकेंड मून मिशन चंद्रयान सेकेंड जल्दी लॉन्च करने वाली है, मे बी ऑन 15 जुलाई 2019। इस वजह से यह एक बार फिर से न्यूज में आ गया है। चंद्रयान सेकेंड को GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा जिसका निकनेम है बाहुबली। फ्रेंड्स, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर हैं के शिवान। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिबॉक इन इंडिया। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ।
Yes, friends, Katrina Kaif became brand ambassador of Reebok in India recently. अब कुछ फैक्ट्स रिबॉक के बारे में जो हमें पता होना चाहिए. रिबॉक इज अ इंग्लिश फुटवेयर एंड अपैरल कंपनी. इसका फाउंडेशन ईयर है 1958, बोस्टन, यूनाइटेड स्टेट, और इसके फाउंडर हैं जोसेफ फोस्टर. इसके प्रेजेंट सीईओ है मैथ्यू एच ओटुले. इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है. सेवंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम विच कंट्री इंडिया इज परचेजिंग स्पाइक मिसाइल. इंडिया स्पाइक मिसाइल किस देश से खरीद रही है. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इजराइल. यस फ्रेंड्स, इंडिया इजराइल से स्पाइक मिसाइल खरीद रही है. इंडियन आर्म फोर्स इस मिसाइल को एमरजेंसी नेसेसरी वीपन के तौर पर खरीद रही है. फ्रेंड्स, बता दें कि इंडियन कैबिनेट ने पुलवामा अटैक के बाद तीनों आर्म फोर्स को एमरजेंसी नेसेसरी वीपन खरीदने की पूरी छूट दे दी है. अब हम बात करेंगे स्पाइक मिसाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में. तो इसके फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है कि यह मिसाइल बंकर्स को तबाह करने के लिए जानी जाती है, और यह मिसाइल माउंटेन और प्लेन्स दोनों जगह से ऑपरेट हो सकती है, और इस मिसाइल के पास ऑटोमेटिक सेल्फ गाइडेंस सिस्टम भी है, एंड इस मिसाइल की टारगेट रेंज है 8 किलोमीटर. अब हम कुछ कॉमन फैक्ट जानते हैं इजराइल के बारे में जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. जैसे इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और यहाँ के प्रेजेंट प्रेसिडेंट का नाम है रूवेन रिवलिन. यहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की करेंसी है न्यू सेकेल. तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है. एट्थ क्वेश्चन इज हु वॉन 2019 क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर्नामेंट टाइटल. क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर्नामेंट टाइटल 2019 में किसने जीता. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी मैगस कार्लसन. यस फ्रेंड्स, मैगस कार्लसन ने 2019 का क्रोशिया ग्रैंड चेस टूर्नामेंट जीता है. इस टूर्नामेंट में यूनाइटेड स्टेट के चेस प्लेयर बेचली सो 1 पॉइंट कम प्राप्त कर 7 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर रहे. फ्रेंड्स, इसी टूर्नामेंट में इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद 4.5 पॉइंट प्राप्त कर 11th पोजिशन पर रहे. अब हम जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैगस कार्लसन के बारे में. मैगस कार्लसन इज अ नॉर्वेजियन चेस प्लेयर एंड एट प्रेजेंट ही इज वर्ल्ड चेस चैम्पियन, एंड ही वॉन 2 times वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप एंड 4 times वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैम्पियनशिप. अब हम बात करते हैं नॉर्वे के बारे में. नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और यहाँ की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम है एर्ना सोलबर्ग, और यहाँ की करेंसी का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन. इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है. फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.